बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत में पंडो समुदाय के दर्जनों लोगों को पिछले 3 साल से मनरेगा मजदूरी की भुगतान नहीं हुई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है और जांच के बाद कार्रवाई की मांग की। दरअसल पूरा मामला पीपरपान ग्राम पंचायत का है, जहां सिधवा दामर पारा में वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत डबरी निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, जहां ग्रामीणों ने बताया है कि उनके द्वारा 12 सप्ताह कार्य किया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 सप्ताह की मजदूरी भुगतान की गई है, बाकी का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इन मामले को लेकर ग्रामीणों ने कई बार सहायक सचिव एवं सचिव से बात भी, अब तक कोई निराकरण नहीं किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की। पंच हैं हम लोग, डबरी में काम किए और हम लोग के जमुना सचिव काम करवाया, हम लोग 12 हफ्ते सब लोग काम किए, लेकिन हम लोग के 2-2 हफ्ता का परमिट दिया, बाकी पैसा नहीं दिया अभी तक ले। हम लोग का 3 साल बीत गया, पता नहीं कितना, 9 लोग को बनाया, उन लोग को परमिट दे दिया, हम लोग काम करने वाला को हम लोग नहीं दिया, हम लोग पहचान नहीं रहे उन लोग के कौन परा के हैं, कौन है दूर में काम हुआ है, तो हम लोग पहचानिए नहीं रहे हैं। जब पैसा उन लोग के परमिट मिल लिया, हम लोग के मिला नहीं अब तक से, जो हम दे दिए हैं 100 परमिट, तो हम लोग देखे जब हम झोंकेंगे तो हम नहीं जानेंगे अपना पैसा को, तो इसीलिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस में दर्ज कराने आए हैं। हम लोग किए हैं डबरू में, कितना दिन 2021 में काम किए हैं, 3 साल अथी आ गया जनवरी, तो 3 साल पूर्ण गया, 3 साल हम लोग उसको सिफारिश करते करते हम लोग परेशान हो गए, पैसा मांग रहे हैं, वो पैसा देवे नहीं करता है, कहता है कि निशासन वहाँ से परमेंट करेगा तब ना हम देंगे, कहाँ से देंगे। अति 12 हफ्ता हुआ है, 12 हफ्ता में 2 हफ्ता के का पैसा दिया है, और 10-10 सप्ताह के पैसा रुका है अभी हम लोग का, अभी शिकायत नहीं किए हैं, अभी उसको हम लोग मांगते मांगते परेशान हो गए, अंत परे 3 साल हम लोग धावा किए हैं कि 3 साल समय आ गया, बीत गया, तब तक हम लोग का मैंने पैसा नहीं फलन हो रहा है। हाँ, रोजगार सहायक सचिव है, जमुना उसका नाम है, दूसरा लेबर से हाजिरी डलवा करके पैसा परमेंट करवा लिया, और हम लोग जो काम किए माटी फेंके उन लोग का एक जी। मुझे आज सुबह ही जिला पंचायत के एक अधिकारी द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचना दी गई कि ऐसा कुछ शिकायत प्राप्त हुआ है, मामला 2020 का बताया जा रहा है, तो मैं अभी एक जांच दल गठन करके इस पर जाँच करा के जो भी इसमें गलती होगी, जिसका मजदूरी भुगतान किस वजह से नहीं हो पाया है, इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। शिकायतें कई बार हो चुकी है, फिर भी कोई कार्रवाई, पहली बार आई है बात जो है, और अभी तक कोई मुझे लिखित पे कोई शिकायत जनपद को प्राप्त नहीं हुई है। बलरामपुर से जसीम खान की रिपोर्ट।